नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में, मैं पूनम आपके साथ। हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इंडिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच में माधुरी दीक्षित ने सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात का एक फोटो शेयर करते हुए माधुरी ने रजनीकांत को एक नोट लिखा है। इस पोस्ट में माधुरी ने फिल्म उत्तर दक्षिण का किस्सा शेयर किया। 1987 में रिलीज हुई इस फिल्म में रजनी और माधुरी ने साथ काम किया था। पोस्ट में माधुरी ने रजनीकांत को अपने लिए इंस्पिरेशन बताया। माधुरी ने पति श्री राम नैने और रजनीकांत के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, कह दो उत्तर वालों से दक्षिण वाले आ गए। यह एक गाना था जो हमारी फिल्म उत्तर दक्षिण में था। मुझे याद है कि इसकी शूटिंग के दौरान रजनी जी मुझसे हमेशा मराठी में ही बात किया करते थे और आज भी हम जब मिलते हैं तो वो इस फिल्म का जिक्र ज़रूर करते हैं। क्या कमाल के इंस्पिरेशनल शख्स हैं रजनीकांत, वो हमेशा अपनी सरलता से मुझे हैरान करते हैं। 1987 में रिलीज़ हुई फिल्म उत्तर दक्षिण में रजनी और माधुरी के अलावा जैकी श्रॉफ और भारती ने भी काम किया था। इसकी कहानी सुभाष गई ने लिखी थी, वहीं प्रभात खन्ना ने इसे डायरेक्ट किया था। माधुरी की इस पोस्ट को फैंस ने खूब प्यार दिया। तस्वीर में माधुरी व्हाइट शर्ट और जीन्स में, वहीं रजनीकांत ब्लैक शर्ट में नजर आ रहे हैं। माधुरी के हस्बैंड ने टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है। इससे पहले माधुरी ने टीम इंडिया के सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद भी एक रील वीडियो शेयर किया था। इसमें वे अनुष्का शर्मा, विकी कौशल, कुणाल खेमू जैसे स्लैब्स के साथ नजर आ रही थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।